चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 9 देखे ना, जिसका नाम है हंकारिजा। हंकारिजा इनके कवि हैं कवि सुंदरम, और ये एक उर्मी काव्य है। एक सिंपल सी पोयम ये दी गई है, लेकिन पहले हंकारिजा इसका मीनिंग हम लोग समझे। ये वर्ड है ना, ज्यादातर कोई ट्रांसपोर्टेशन मीन के लिए यूज होता है। कोई गाड़ी पर, कोई नाव में, पानी में कोई नाव में बैठे हुए हो तो जो नाविक चला रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं कि चलो अब इसे हंकारी जा, मतलब इसे जो है वो आगे लेकर जाओ। कोई गाड़ी में बैठे हुए हो तो गाड़ी चलाने वाले को हम लोग कहते हैं कि इसे हंकारी जा, भाई इसे आगे ले जाओ। अब बबर, ये हंकारी जा वर्ड उसे कहते हैं कि भाई चलो अब इसे लेकर चलो। लेकिन ये वर्ड यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये वर्ड यहाँ पर जो है वो एक प्रेयर के लिए यूज किया गया, भगवान की प्रेयर के लिए। कवि सुंदरम ने ये जो पोयम, ये जो कविता लिखी है ना, वो इनडायरेक्ट एक प्रेयर की तरह है कि जहां पर जो है वो ये भगवान को प्रेयर करते हैं कि भाई मेरे जीवन में जो है वो अब बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कुछ जो है वो मैंने सहन कर लिया, अब भाई मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन लेकर आओ। ठीक है ना, वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन लेकर आओ, कुछ जो है वो अच्छी चीजें अब लेकर आओ, भाई मुझे अब जो है वो ये आपका दर्शन देकर जाओ। एक प्रेयर वो करते हैं कि भाई मुझे जो है वो अब आपका दर्शन देकर जाओ, और साथ में कहते हैं कि अब जो है वो मेरा पूरा जीवन आपके भरोसे है। कहते हैं सब कुछ जो है वो भगवान के नाम पर वो समर्पण कर देना चाहते हैं कि अब मेरा पूरा जीवन जो है वो आपके भरोसे है, अब जो है वो मेरे जीवन की नाव। यहाँ पर जो क्या कहते हैं कनेक्ट किया हुआ है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहो, एक ट्रांसपोर्टेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो कहते हैं कि अब मेरा जीवन जो है वो एक नाव की तरह है, और इस जीवन को चलाने वाले नाविक वो आप ही हो। वो भगवान को कहते हैं कि मेरा जीवन एक नाव की तरह है, और इस जीवन को चलाने वाले नाविक जो है वो आप ही हो। तो अब मेरा जीवन जो है वो आपके भरोसे इसे जहां ले जाना हो वहां लेकर जाओ। कहते हैं ना भाई हंकार ही जाए इसे, भाई मेरे जीवन को अब जहां ले जाना हो वहां लेकर जाओ, भाई अब जो है वो सब कुछ तुम्हारे भरोसे है, भाई मैंने सब कुछ जो है वो आपके भरोसे समर्पण कर दिया है। तो अब जो है वो ये आपकी मर्जी कि मेरे जीवन को जैसे चलाना हो वैसे चलाओ। ठीक है ना, ऐसी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर, एक छोटी सी प्रेयर लेकर ये कविता लिखी गई है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर लाइन टू लाइन समझें कि वो क्या कहते हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल से जो है वो प्रेयर कर रहे हैं वो हम लोग देखें। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मारी बंसी माँ बोल बे वगाड़ी तू जा, मारी वीणा नी वाणी जगाड़ी तू जा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, मारी बंसी माँ, बंसी बांसुरी जो कहते हैं, बंसी माँ बोल बे वगाड़ी तू जा। बोल बे वगाड़ी मतलब कि भाई मेरी बांसुरी में कुछ जो है वो मधुर संगीत भर कर जाओ। और यहाँ बांसुरी बांसुरी भी एक जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है। इनडायरेक्टली वो भगवान को कहना चाहते हैं कि भाई मेरे जीवन में जो है वो बहुत दुख, बहुत परेशानियां मैंने देख ली, अब जीवन में जो है वो कुछ मधुर संगीत भर कर जाओ। पता है मधुर संगीत भर के जाओ मतलब कहते हैं ना भाई जीवन में जो है वो कुछ अच्छे दिन जो है वो अब दिखा कर जाओ, भाई बहुत बुरे दिन हमने देख लिए। ऐसे वो प्रेयर कर रहे हैं कि मारी बंसी माँ बोल बे वगाड़ी तू जा, मारी वीणा नी वाणी जगाड़ी तू जा। वीणा नी वाणी, वीणा वीणा भी तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है ना, कहते हैं ना सरस्वती माता के हाथ में वो वीणा होती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पे भी उनके लिए वही एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, वही बात वो बताना चाहते हैं। मारी वीणा नी वाणी जगाड़ी तू जा, मतलब कि भाई मेरे जीवन में भी जो जो दुख जो तकलीफें हैं उसे दूर करके कुछ अच्छा समय लेकर आओ। वीणा नी वाणी जगाड़ी जा मतलब कि कुछ जो है वो अच्छा समय अब मेरे जीवन में लेकर आओ, ऐसे वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। कहते हैं कि झंझाना झांझर ने पहरी पधार पिया, कामना कमाड़ मारा ढंडोड़ी जा। झंझाना झांझर ने पहरी पधार पिया, झंझा झंझा किसे कहते हैं, झंझा जो है वो कहा जाता है एक तेज बारिश को, हवा के साथ जब जो है वो तेज बारिश आती है उसे झंझा कहते हैं। और उसकी झांझर, झांझर मतलब तो कहा जाता है पायल को, पैरों में पहनने वाली पायल, कोई पर्सन चलता हो पायल पहन के तो उनमें जैसे छम छम की आवाज आती है, वही जो है वो आवाज वैसी ही आवाज बारिश में भी आती है। ठीक है ना, तो वो बारिश पायल इनके जो है वो ये मीन्स लेकर भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि झंझा ना झांझर पहरी पधार पिया, कि भाई मेरे जीवन में भी जो है वो वैसी बारिश लेकर आओ। कहते हैं ना वो अच्छी बारिश, वो सुख की बारिश जो है वो मेरे जीवन में भी लेकर आओ, वो ऐसे कह रहे हैं। और कहते हैं कामना कमाड़ मारा ढंडोड़ी जा। कामना कमाड़, काम मतलब कहते हैं ना कि भाई हमारे जीवन की जो है वो सब बुरी आदतें, जो मोह है, जो लोभ लालच, ये जो मेरे जीवन में है तेना कमाड़, कमाड़ मतलब कहते हैं भाई उसके पर्दे ढंडोड़ी जा। ढंडोड़ी जा मतलब उसे
हटा के जाओ, उसे जो है वो दूर करके जाओ। प्रॉपर ढंडोरी तो उसे कहते हैं कि कैसे कोई कारपेट या कोई गद्दा या कोई कपड़ा जो है वो कहीं बिछा हुआ हो और कपड़े में से धूल मिट्टी हटानी हो तो हम क्या करते हैं, पता है, बड़ी सी जो है वो कोई लकड़ी वगैरह लेकर उस गद्दे को या उस कारपेट कपड़े को जो है वो जोर से पीटते हैं। ध्यान है ना ये, बराबर ना, जोर से जब जो है वो उसे पीटा जाता है ना तो उनमें से वो धूल मिट्टी निकलती है। कहते हैं ना ऐसे गद्दे साफ करते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड आता है ढंडोड़ी जा। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में भी काम के कमाड़ पड़ चुके हैं, काम मतलब जो है बुरी आदतें, जो लोभ मोह माया, इन सबके कमाड़, इन सबके पर्दे जो है वो मेरे ऊपर पड़ चुके हैं, तेने ढंडोड़ी जा, मतलब उसे जो है वो ये हटा के जाओ, वो धूल मिट्टी हटा के जाओ मेरे जीवन से, ये सब जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करके जाओ। ठीक है ना, वो वर्ड्स पोयम में ऐसे यूज किए हुए हैं, बाकी वो सिंपल सी जो है वो प्रेयर कर रहे हैं कि एक बारिश की तरह, झरमर बारिश की तरह जो है वो मेरे जीवन में आओ और मेरे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी काम हैं, उन सब को जो है वो अब दूर करके जाओ। या आगे वो कहते हैं कि पोढ़ेली पापण ना पर्दा उपारी जड़ा, सोनेरी सोनलू बताड़ी तू जा। कहते हैं पोढ़ेली पापण ना पर्दा उपाड़ी जरा, पोढ़ेली, पोढ़ेली मतलब बंद, पापण क्या कहते हैं, या आंखों की आई लैशेस, वो कहते हैं ना आई लैशेस, उसे पापण कहते हैं। पोढ़ेली पापण मतलब जो बंद मेरी आंखें हैं, तेना पर्दा उपारी जरा, पर्दा उपारी मतलब भाई उसे जो है वो खोल कर जाओ। तो आंखें खोलना मतलब कि भाई मेरे जीवन में जो अंधकार है, मेरे जीवन में जो अज्ञान है, जो मुझे नॉलेज नहीं है, भाई उन सबको अब दूर करके जाओ, मेरे जीवन का अंधकार दूर करके जाओ। कहते हैं ना भाई मेरी जो है वो आंखें खोल कर जाओ, पोढ़ेली पापण ना पर्दा उपाड़ी जड़ा, भाई जो आंखें बंद है उसके जो है वो पर्दे खोल के जाओ, भाई मुझे ज्ञान देकर जाओ। और क्या कहते हैं, सोनेरी सोनलू बताड़ी जा, सोनेरी सोनलू मतलब कि एक सुनहरा सपना जो है वो मुझे देकर जाओ। सुनहरा सपना कौन सा, कि कुछ जो है वो अच्छी बातें हमारे जीवन में लेकर आओ, एक सुनहरा सपना। वो कह रहे हैं ना भगवान को, कह रहे हैं कि भाई मेरे जीवन से सभी अंधकार, सभी जो है वो ये बुराइयां दूर करके एक सुनहरा सपना मुझे देकर जाओ, एक अच्छी जिंदगी जो है वो अब मुझे देकर जाओ। और कहते हैं कि सुनी सरिता ने तीर पहरी पिताम्बरी, दिल नो दड़ुलो रमाणी तू जा। सुनी सरिता ने तीर पहरी पिताम्बरी, यहाँ पता है कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली श्री कृष्ण को जो है वो याद करते हुए ये कह रहे हैं। श्री कृष्ण की अगर जो है वो एक बात याद हो तो श्री कृष्ण और मीराबाई की ये एक बात बहुत फेमस है कि मीराबाई ने जिंदगी भर जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति की, उन्हें जो है वो हमेशा याद किया, उनके दर्शन को वो हमेशा तरसते रहे और आखिरकार एक बार जो है वो मीराबाई को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी के किनारे मीराबाई के सामने आए और उन्हें दर्शन दिए, ऐसे कहा जाता है। तो जो है वो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, हमेशा जो है वो उनकी भक्ति करते रहते हैं, भगवान उन्हें दर्शन जरूर देते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर कवि जो है वो डायरेक्टली वो मीराबाई का जो है वो एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनी सरिता, सुनी मतलब सुनसान, खाली एकदम, और जो है वो सरिता, सरिता मतलब कहते हैं नदी, नदी तीर, सरिता ने तीर, तीर मतलब कहते हैं किनारा। तो कहते हैं जो नदी का किनारा एकदम खाली नदी का किनारा हो तो वहां पे पहरी पिताम्बरी, पिताम्बरी क्या कहते हैं, पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनते थे। तो वो कह रहे हैं ना कि भाई वही नदी के किनारे, जब जो है वो नदी के किनारे कोई भी ना हो, ऐसे खाली नदी के किनारे एक बार जो है वो ये मेरे जीवन में दर्शन देकर जाओ। जैसे भाई मीराबाई को तुमने दर्शन दिया था, वैसे जो है वो मुझे भी एक बार आप दर्शन देकर जाओ। क्या कहते हैं कि दिल नो दड़ुलो रमाड़ी तो जा, दिल नो दड़ुलो, भाई दिल का जो है वो ये दड़ुलो मतलब दड़ो कहते हैं, बॉल कहते हैं, दिल नो दड़ुलो रमाड़ी तो जा। इनमें भी वो इनडायरेक्टली श्री कृष्ण की बचपन की बातें याद करते हैं। श्री कृष्ण अक्सर जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है वो अपने ग्वालों के साथ, वो दड़े से बॉल्स के साथ जो है वो खेलते रहते थे, बराबर ना। तो यहाँ पर भी उस एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि भाई मैं भी यमुना नदी के किनारे बैठा हुआ हूँ कि खाली है नदी किनारा, खाली है और कोई नहीं है, एक बार इसी जो है वो अकेले में मुझे दर्शन दे कर जाओ और मेरे दिल को खुश करके जाओ। दिल तो दड़ुलो रमाड़ी जा मतलब कि भाई मेरे दिल को जो है वो एक बार खुश करके जाओ आप, बरबर ना। तो कैसे छोटी सी लाइन में भी जो है वो इतने बड़े एग्जाम्पल्स वो कनेक्ट करते हैं। या आगे कहते हैं वो कि भूखी शबरी ना बोर बे एक आरोगी, जन्म भूखी ने जमाड़ी तू जा। भूखी शबरी ना बोर एक बे आरोगी, अब शबरी, इसमें शबरी का एग्जाम्पल है,
शबरी का एग्जाम्पल भी ध्यान है ना आपको कि भाई रामायण में जो है वो ये कहानी आती थी कि भाई शबरी एक जो है वो छोटे से जंगल में जो है वो रहने वाली एक भील जाति की लेडी थी, वो जो हमेशा जीवन भर जो है वो श्री राम के जो है वो दर्शन के लिए वो प्यासी थी, वो तरसती थी कि भाई श्री राम वो मुझे दर्शन देंगे। और उन्हें विश्वास था कि भाई श्री राम जो है वो एक बार मेरे घर पे जरूर आएंगे। इसलिए जीवन भर शबरी रोज सुबह जो है वो ये बगीचे में जाती, वहां से जो है वो बोर जो है वो निकाल कर आती और तैयार करके रखती कि आज जो है वो श्री राम मेरे घर पर आएंगे। हर रोज जो है वो ये ऐसा करती। और आखिरकार आखिरकार हम सबको पता है कि श्री राम जो है वो ये आखिरकार उनके वहां पर पहुंचे ही। श्री राम जो है वो सीता को ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे थे और वहां पर वो शबरी के वहां पहुंचे। अब यहाँ पर शबरी के वहां जाकर श्री राम ने जो है वो उनके जूठे बोर खाए थे। तो जिनमें जिनमें ऐसे कहा जाता है ना, श्री राम ने जो बोर खाए थे तो श्री राम ने अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख जो है वो संतोषने के लिए उन्होंने बोर खाए थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो बोर खाए थे ना उनमें उनकी भूख जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन शबरी की भूख जो है वो पूरी हुई। बोर श्री राम ने खाए थे लेकिन भूख किसकी मिटी? शबरी की मिटी थी। किसकी भूख? कौन सी भूख? तो श्री राम के दर्शन की भूख। जो शबरी जो है वो ये जन्मों से पूरी जिंदगी जो है वो जैसे श्री राम के दर्शन के लिए भूखी थी। श्री राम वहां पर आए और उन्होंने जो बोर खाए तो इसे श्री राम का पेट भले भरा के ना भरा लेकिन शबरी की भूख मिटी। शबरी जो है जो दर्शन के लिए भूखी थी उनकी भूख जो है वो आखिरकार खत्म हुई। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है कि भूखी शबरी ना बोर एक बे आरोगी, जन्म भूखी ने जमाड़ी तूजा। कवि वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी जो है वो उसी शबरी की तरह हूँ कि भाई मैं भी जन्म से जो है वो भूखा हूँ। किस चीज का भूखा? तो आपके दर्शन का भूखा हूँ। भाई एक बार मेरे पास आकर अपना जो है वो दर्शन देकर जाओ, भाई मेरी ये दर्शन की भूख भी मिटा कर जाओ। और कहते हैं वो कि घाटे बंधारी माड़ी होड़ी वछोड़ी जा, सागर नी सेरे उतारी तू जा। और क्या कह रहे हैं कि घाटे बंधाणी मारी होड़ी वछोड़ी जा, कि भाई मेरी होड़ी, भाई मेरी नाव जो है वो घाटे, घाटे मतलब किनारे पे, बंधाणी मतलब बंधी हुई है, भाई मेरी नाव जो है वो किनारे पे बंधी हुई है, तेने वछोड़ी जा। वछोड़ी जा मतलब उसे जो है वो खोल कर खुले सागर में लेकर जाओ। तो यहाँ पर जो होड़ी किनारे पर बंधी हुई है इसका मतलब क्या? तो ये होड़ी जो है वो अपने जीवन के लिए वो कह रहे हैं कि भाई मेरा जीवन जो है वो एक ही जगह पे बंध गया है। भाई एक ही जगह पे, वो नहीं कहते भाई दुनिया की जो है वो मोह माया में, लालच में, इन सब में जो है वो मेरा जीवन बन चुका है उस होड़ी की तरह। भाई उसे जो है वो उन सब से अलग करके और खुले सागर में लेकर जाओ। भाई मैं जो है वो ऐसे छोटे से जीवन में नहीं रहना चाहता, भाई इस जीवन से मुझे दूर करो, इस बंधन से मुझे दूर करो और खुले सागर में वो लेकर जाओ। कहते ना घाटे बंधारी मारी होड़ी वछोड़ी जा, ने सागर ने सेरे उतारी तू जा। सागर ने सेरे मतलब कि सागर में जो है वो खुले सागर में उसे लेकर जाओ। नाव किनारे पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं करती, उसे तो खुले सागर में जो है वो रहना चाहिए। तो उसी तरह से वो अपने जीवन के लिए कह रहे हैं भाई मेरा जीवन भी इस तरह से बंधा हुआ है, उसे वहां से खोलकर खुला जीवन जो है वो मुझे दिखाओ। और आखिरी में इसी कोई जो है वो क्या कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है उसे वो जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं कि मन ना मालिक तारी मोज ना हले से, फावे त्या एने हंकारी तुजा। मन ना मालिक तारी मोज ना हले से, भाई जो है वो ये तुम ही जो है वो मेरे मन के मालिक हो। तारी मोज ना हले से, तारी मोज ना हले से मतलब तुम्हारी इच्छा के हिसाब से। जो वो नाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई मेरा नाव जो है वो ये किनारे पे बंधा हुआ है, उसे खुले सागर में लेकर जाओ। और कह रहे हैं कि वो नाव चलाने वाला कौन? तो नाव चलाने वाले भी तो आप ही हो ना। तो भगवान को कह रहे हैं कि उस नाव को चलाने वाले भी आप, भाई मेरे जीवन को इन दुखों से दूर करो और आगे का जीवन संभालने वाले भी आप। तो कहते हैं ना कि मन ना मालिक, आप ही जो है वो ये मेरे मन के मालिक हो। तारी मौज ना हले से कि भाई तुम्हारी इच्छा, फावे त्या इन्हें हंकारी तू जा, फावे त्या इन्हें हंकारी जा। भाई आपको जहां जो है वो सही लगे ना वहां इस नाव को लेकर जाओ, मतलब आपको जहां सही लगे वहां जो है वो मेरे जीवन को लेकर जाओ। अब मेरा जीवन वो आपके भरोसे, इसे जहां ले जाना हो वहां पर ले जाओ। बरबर ना? तो ये भगवान के लिए अपना सब कुछ जो है वो समर्पण कर देना चाहते हैं कि भाई जीवन में जो है वो यहाँ सब कुछ जो है वो मैंने देख लिया, अब इस मोह माया, अब ऐसे जीवन में नहीं रहना, अब जो है वो सब कुछ आपके भरोसे, अब आपकी मर्जी, इसे जो है वो जहां ले जाना हो वहां पर ले जाओ। बरबर? तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम देखी ना, ये पोयम, शॉर्ट पोयम जो है वो हमने समझी। अब वैसे ही गुजराती के जो दूसरे चैप्टर्स आएंगे, आगे के पॉइंट्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।